आज मैं आपके लिए ऐसे स्वीट की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ जिसे बनाना तो इतना ज़्यादा आसान है, घर की चीज़ों से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। 10 मिनट में आसानी से बिना गैस जलाए ये बनकर रेडी हो जाती है। मक्खन की तरह सॉफ्ट मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी चीनी। तो यहाँ पे आप कटोरी का साइज़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कटोरी नहीं है, इसी से आधा कटोरी चीनी ले लिया है मैंने। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं। इस चीनी को आपको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चीनी को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब क्या करना है आपको, इसमें से आधी चीनी को अलग कर लेना है और आधी इसी में रहने देना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 4 बड़े चम्मच चीनी इसमें से अलग कर ली है, यानी कि आधी चीनी इसमें से निकाल ली है और आधा इसमें बचा लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू। इन दोनों चीज़ों को जार में डाल करके फिर से एक बार अच्छे से बारीक पीस लेंगे इसी के साथ ही। तो देखिए, मैंने इन दोनों चीज़ों को भी चीनी के साथ अच्छी तरीके से पीस करके इसका पाउडर बना लिया है और काफ़ी बारीक पीसा है। इसे एक बोल में निकाल लेंगे, अभी इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने बिस्किट ले लिया है, आप देख सकते हैं ये है मारी बिस्किट, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये कम मीठे होते हैं थोड़े से, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे 20 बिस्किट्स लिए हैं, यानी कि 20 बिस्किट्स लिए हैं। अब क्या करेंगे, इन्हें आपको पीसना है, तो उसी जार का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है पीसने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे छोटे वाला जार है, तो पहले मैं आधे बिस्किट को इसमें रैंडमली तोड़ करके डाल दूँगी और पीस लूँगी। आधे बिस्किट्स मैंने यहाँ पे बचा लिए हैं बाद में पीसने के लिए, तो चलिए इसे पीस लेते हैं, बिल्कुल फाइन पीसना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बिस्किट्स पीस लिए हैं बिल्कुल फाइन। अब जो बचे हुए बिस्किट्स हैं ना, इसी में तोड़ करके डाल दूंगी मैं। आप चाहें तो इसे निकाल करके डाल सकते हैं दूसरा बैच, बट एक रीज़न है इसे एक साथ पीसने का। पहले मैंने एक साथ नहीं डाला था, काफ़ी ज़्यादा फुल हो जा रहा था, बट पहले जब मैंने इसे थोड़ा सा बारीक कर लिया तो इसमें थोड़ी सी जगह बन गई, तो बाकी के इसमें डाल करके फिर से मैं पीसूँगी। तो यहाँ पे जार में मैंने बचे हुए बिस्किट्स भी तोड़ करके डाल दिए हैं पीसने के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, आप देख सकते हैं, इसकी कुछ बूंदें हम इसी में डाल देंगे इसके साथ ही पीसने के लिए। मेरे पास यहाँ पे लिक्विड वाला है, इसे ही डाल देते हैं, चलिए 3 से 4 बूंदें। आप चाहे तो पाउडर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड वाले से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इसे ऑरेंज कलर देने के लिए आप चाहे तो बिना कलर दिए भी इसे बना सकते हैं। यही रीज़न था बिस्किट्स को एक साथ पीसने का, इस तरह से कलर इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और आपके हाथ भी बचे रहते हैं गंदे होने से। तो चलिए इसे अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है और कलर जो है इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसे भी उसी बोल में निकाल लेंगे जिसमें हमने चीनी के साथ काजू और बादाम पीस करके निकाले थे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने पीस ली हैं। अब इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। आप यहाँ पे घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। मिल्क पाउडर में भी चीनी है, ये भी मीठा होता है, तो यहाँ पे आप चाहें तो अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो मिल्क पाउडर की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा मीठा भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लिया है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। दूध की क्वांटिटी यहाँ पे आपको 3 से 4 बड़े चम्मच ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे आपको इसका डो बना लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। पहले मैंने चम्मच से मिला लिया है। अब क्या करेंगे, हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छे से आटे की तरह गूंद लेंगे और हाथों से ही मसल मसल के इसका चिकना सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और जब इस तरह का डो बन जाए तो हाथों में थोड़ा सा घी लेते हुए इसे लगा देंगे ऊपर से, ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए और हाथों में ना चिपके। इससे ये बहुत ही स्मूथ और चिकना हो जाएगा। जब इस तरह का ये हो जाए तो हथेलियों में इस तरह से घुमाते हुए गोल आकार दे देंगे, बॉल की तरह बना लेना है आपको इसको। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं, आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और बोल मैंने लिया है, इसमें लेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। साथ ही ऐड कर देंगे जो चीनी पिसी हुई हमने बचा के रखी थी ना, उसे डाल देंगे इसमें 3 बड़े चम्मच। आधा टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे वनीला एसेंस, आप यहाँ पे इसे स्किप भी कर सकते हैं,
इसके बिना भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिठाई। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके इसका डो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है इसे गूंधने के लिए। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम जो भी दूध इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, नहीं तो चीनी जो है पिघल सकती है। तो यहाँ पे हथेलियों से दबाते हुए इसका भी आपको एक बॉल बना लेना है। इसके बाद इस बॉल को सिलेंडर शेप देना है आपको इस तरह से हथेलियों की सहायता से ही। तो देखिए मैंने यहाँ पे हथेलियों की सहायता से इसे दबा दबा के चिकना करते हुए इसे सिलेंडर का शेप दे दिया है। प्रॉपर ये सिलेंडर के शेप में आ चुका है। अब क्या करना है आपको, इसे अभी रख देना है। तो चलिए पहले वाले डो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसे लेंगे, धीरे धीरे से आपको इसे बेलते जाना है। मैंने इसे बेलने के लिए नीचे की सतह में कोई भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह से नहीं बेलना चाहते तो किसी पॉलीथीन का इस्तेमाल करके भी उसके ऊपर इसे बेल सकते हैं, ताकि ये नीचे की सतह में बिल्कुल भी ना चिपके। आपको इसे बेलते हुए इस तरह से उंगलियों और हथेलियों की मदद से स्क्वायर शेप देना है। स्क्वायर शेप में आपको इसे बेलते जाना है और जितने भी साइड्स इसके थोड़े थोड़े फट रहे हों उंगलियों की सहायता से इसे चिकना करते जाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसे स्क्वायर शेप में बेल लिया है। अब जो हमने सिलेंडर शेप में इसकी स्टफिंग बनाकर रखी थी उसे इसके बीचों बीच इस तरह से रखेंगे और अच्छे से दबाते हुए इसे रोल कर लेंगे। इसे रोल करते टाइम भी जितने भी इसमें क्रैक्स आते हैं उसे इस तरह से हथेलियों से आप चिकना कर सकते हैं, बहुत इजीली ये चिकने हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से रोल करके रेडी कर लिया है। जब इस तरह से रोल ये बन जाए तो ऊपर से भी थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे। इसके बाद एक एल्युमिनियम फॉयल के अंदर इसे रैप कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से इसमें रैप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो देखिए 10 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से फ्रिज में सेट हो गया है। तो एल्युमिनियम फॉयल को इसमें से हटा देंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसे चांदी के वर्क से सजा रही हूँ, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना सजाए, इसके टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो मैंने इसे सजा दिया है, अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। बहुत ही ईजली ये कट हो जाती है और इसे कट करने के बाद आप देख सकते हैं इसका लुक। कम चीज़ों से मुंह में घुल जाने वाली ये शानदार मिठाई मैंने बनाई है बिना गैस जलाए। तो आप भी इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मैंने थोड़े से पिस्ते के साथ भी सजा दिया है ताकि बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगे। इस फेस्टिवल इसे ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो दूसरों तक भी इसे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी इसका फ़ायदा ले पाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स वो जो घंटी आती है ना बगल में उसे तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। अगर आप उसे दबाएंगे तो आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे और मेरे वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।